अभी देखिए इसमें अपने को ये सब लाइनिंग दिख रहा है, ठीक है। तो ये अपने आईपी प्लेट पे रहता है, थोड़ा बार आर्टिफैक्ट्स जो आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी चलते हैं कैसेट की तरफ, आया कैसेट की तरफ, ठीक है। अब सबसे पहले कैसेट वैसेट क्लीन जब करेंगे तब क्या करने का, कॉटन लेने का थोड़ा, ठीक है। तो कॉटन पे ये स्पिरिट, इस तरह से पहले ऊपर क्लीन कर लो थोड़ा सा। आपका कैसेट क्लीन करने का मतलब यही, मतलब आईपी प्लेट क्लीन करने का ऐसा रहता है कि उसमें से जो थोड़ा बार आर्टिफैक्ट्स जो डस्ट है आपको चाहिए तो लास्ट में दिखा होगा, लास्ट में पिक्चर डाल दूंगा चाहिए तो। व्हाइट स्पिरिट ही लेना सर्जिकल स्पिरिट क्लीन करने के लिए। अगर ब्लू वाला लेते हो तो एकदम लाइट ही लेना, ज़्यादा मत लेना, ओके। ये आपका कैसेट की है, ठीक है। ये आपका कैसेट की है, इस कैसेट की को एंगल देखो, ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल और ये अगर एंगल, ये आगे का एंगल को इस तरह से लगाने का, इस तरह से लगा के आगे देखो, इस तरह से लेके आगे ढक लो और इस तरह से पकड़ के आगे ढक लो और फिर ये इधर फंसना चाहिए, ठीक है। फंस गया ये बेटा, फिर ये पहली उंगली से पकड़ के इसको ऐसा ऊपर हाथ रख के एक ऐसा पीछे की ओर ढक लो, ओके। ये आपका आया, कैसेट की को बाहर निकालो, फिर इसको उल्टा करो, ठीक है। उल्टा करने के बाद ये सिंपल सा इसको थोड़ा सा, ये इसमें लॉक रहता है, आपको लास्ट में ऐसे ही लॉक लगाना है, ठीक है। ये आप इस तरह से करोगे आपका ये बाहर आ जाएगा। इसको बड़े प्यार से निकालो, देखो इधर दिखता रहेगा थोड़ा फार डस्ट, देखो दिख रहा है डस्ट है, थोड़ा सा लाइनिंग वाइनिंग टाइप वाला डस्ट दिख रहा है आपको, यही सब है वो जो लाइनिंग के हैं थोड़े बार। देखो अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे मैं आपको नीचे रखता हूँ, रख के दिखा दो। देखो अभी ये फ्लैश लाइट बंद करता हूँ, फ्लैश लाइट बंद करने पे इतना दिख रहा तो नहीं है, मैं आपको दिखा दो एक सेकंड। कभी भी देखना रहेगा ये, देखो देखो ये जो लाइन दिख रही है आपको एकदम लाइटली दिखती रहेगी, स्ट्रेट लाइन है। फ्लैश मारता हूँ, देखो दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये सब आपके जो लाइन्स आ रही है वो इस पर, इसकी वजह से भी रहता है थोड़ा, वो इस पर जो डस्ट रहता है वो। तो अभी इसको क्लीन कैसे करेंगे वो आपको दिखा रहा हूँ, ओके। तो कॉटन लो सबसे पहले, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी कैसेट के ऊपर पोंछा है, तो इसको थोड़ा उल्टा करो और इधर रखो, ध्यान दीजिए आपको सेंटर में टच नहीं करना है, थोड़ा सा कॉटन लेके ज़्यादा स्पिरिट नहीं लगाना है और ज़्यादा घसना नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पिरिट लेके एक हाथ बड़े प्यार से घुमाना है स्मूथली, जैसे अपने मोबाइल स्क्रीन को कैसा पोंछते हो एकदम लाइटली, वैसा एकदम लाइटली पोंछ के लेना है मोबाइल स्क्रीन की तरह। और स्पिरिट इसलिए लेना है क्योंकि स्पिरिट सूख जाता है, वो लिक्विड के रहता है, पानी रहता है, निकलता नहीं, इसकी वजह से स्पिरिट लेके स्पिरिट से घसने का। फिर इसको इस तरह से उल्टा करो। अब देखो जैसे ये डस्ट है दिख रहा है, अब अभी आप कॉटन लोगे थोड़ा थोड़ा, एक ड्राई कॉटन और एक स्पिरिट लगा के रखने का। ये देखिए अभी मैं स्पिरिट थोड़ा सा ही लेता हूँ, ये देखिए दिख रहा है, ज़्यादा नहीं लेना स्पिरिट, थोड़ा सा ही लेके। अब देखिए इसको जैसे ये डस्ट है, जैसे ये डस्ट है, ठीक है, इसको बड़े प्यार से ऐसा निकालना है, ऐसा हल्का हल्का हाथों से लगाना है। अब देखो मैं पूरा कैसेट क्लीन करता हूँ ऊपर से, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना कैसेट पे, जैसे आर्टिफैक्ट आर्टिफैक्ट कुछ रहेगा, जैसे अभी आपको दिखाया ये लाइन हल्का सा जैसा रहेगा उस पर थोड़ा सा लाइटली प्रेशर लगाना है। देखिए ये कैसा, ऐसा ऐसा, ज़्यादा कुछ नहीं आपको, ऐसे इस पर मोबाइल की स्क्रीन से आपको इतना देखेगा नहीं,
आप जब सामने ऊपर जब लाइट स्क्रीन करके देखोगे ना आईपी प्लेट को, तब तो आपको दिख जाएगा। ओके, अभी इस पे स्क्रैचेस भी है तो वो उतना दिख रहा नहीं है। और फिर ये ड्राई कॉटन लेके इस तरह से एक एक हाथ घुमा के, आपको बस याद रखना है कि जब आप कैसेट क्लीन करते हो तो उसको एक बार स्कैन, ब्लैंक स्कैन कर दो ऐसे। अभी ये मेरा हो गया, हमने इसको देखो मैं डाल रहा हूँ पैसा, देख रहे हो कैसेट के इधर पे ऐसा रखा, सिर्फ आपको प्यार से डालने का, धकलने का आगे, और ये इस तरह से लॉक करना है। ओके, ये इस तरह से लाइन से लॉक हो जाएगा। फिर आपको कैसेट, अभी आपको कैसेट इस तरह से उठाने करेगी, ये लेके ये होगा आपका, ठीक है। गैप नहीं रहना चाहिए, गैप रहेगा तो वापस ओपन करके लगाने का है। कैशेट क्लीन करने के बाद ब्लैंक स्कैन करना है आपको ऐसे ही, आईडी कुछ भी क्रिएट करके एक ब्लैंक स्कैन कर दो। और देखो कैशेट क्लियर होने के बाद जो लाइनिंग थे वो सब चले गए, देखो से पूरी सर्विस हुई है मशीन की, पर जो लाइनिंग वाइनिंग जो आईपी के ऊपर थे वो सब के लाइनिंग रिमूव हो गए। ओके, थैंक यू।